नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से सीजन 2। आज हमारे साथ है हमारे मिस कैटेगरी की फर्स्ट रनर अप और उनका नाम है सुरविद्या पृष्टि। नमस्ते एंड आपका स्वागत है हमारे शो में। हमारा क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा वो ये रहेगा कि आपको ये जश्न टैलेंट प्लेटफॉर्म कैसा लगा? तो ये मेरा फर्स्ट पैजेंट था एंड मैं पैजेंट के लिए बहुत बहुत बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। इट्स नॉट समथिंग आई चोज वोक अप एंड चोज इन द मॉर्निंग दैट आई वांट टू डू। इट हैज़ बीन माय ड्रीम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। सो लाइक जब मेरे को मैम का पता चला कि इवेंट हो रहा है, देर इज़ अ पैजेंट गोइंग ऑन, आई वॉन्टेड टू टेक अ पार्ट। लाइक दैट्स द फर्स्ट थिंग केम इन टू माई माइंड। सो आई जस्ट वेंट फॉर द ऑडिशन एंड इट वॉज अ वंडरफुल डे फॉर मी वैन मैम टोल्ड मी दैट आई गॉट सिलेक्टेड एंड माई ऑडिशन वॉज ऑल्सो वेरी गुड। आई गॉट टू नो मैनी अदर पार्टिसिपेंट्स। सो मेरे को लाइक आई वॉज वेरी एंथुजियास्ट अबाउट दिस थिंग द होल टाइम। तो आपको क्या लगता है जो जश्न टैलेंट जो प्लेटफॉर्म है जो सभी मिस कैटेगरी के लिए वर्थ है? क्योंकि आपको सभी को पता है नाउअडेज मैनी पेजेंट्रीज आर वर्किंग और थिंग इज कि सारी पेजेंट्री बहुत अच्छी होती है, लेकिन एज एन गर्ल यू नो कभी किसी पे ट्रस्ट करना एज एन प्लेटफॉर्म, सो इज इट्स वर्थ फॉर ट्रस्टिंग जश्न टैलेंट एंड व्हाई? यस, इट इज वर्थ ट्रस्टिंग जश्न टैलेंट बिकॉज it was first of all like I knew ma'am before, so it was easy for me to trust, and as well the whole choreography from choreography to makeup all the things were done by women. So I was it was very trustworthy for me and it was a very easy process to go to somewhere you already know. And jaise ki aapko pata hai, I don't know about other pageants but मैम ने बहुत ही नॉमिनल फीस रखा था एंड आई डोंट थिंक सो मैनी पीपल कैन अफोर्ड गोइंग टू बिगर पेजेंट्री नॉर्मली। सो अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए एंड यू वांट टू बी समवेयर, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर बिग। सो मैम गिव मी दैट प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। इट्स अवर प्लेजर। और हमारा जश्न टैलेंट का यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग को प्लेटफॉर्म दें। और फीस की बात करें तो हम नॉमिनल ही रखते हैं बिकॉज वी आर नॉट रनिंग लाइक अ बिजनेस थिंग, इट्स लाइक अ के प्लेटफॉर्म। इस अवर टैगलाइन ही हमारा ऐसा है कि जश्न टैलेंट अब सिर्फ हुनर बोलेगा। सो द टैलेंट के लिए, टैलेंट राउंड के लिए भी नॉमिनल फीस थी, फैशन पेजेंट्री के लिए भी नॉमिनल थी। तो आपको कैसा लगा अभी नो कि ये नॉमिनल फीस तो थी आपके लिए, लेकिन आपको कहीं शो नॉमिनल लगा कि इट वॉज इन द ग्रैंड स्केल? No, it was in the grand scale because the judges were also very up to the scale and up to the mark and they judged us from the nook to the height. So I don't think so it was nominal, it was grand scale for me and I got to walk like pageant walk jo mujhe seekhna tha itne saalon se. So thank you ma'am for that. Okay. It's our pleasure. And आपने पेजेंट्री में क्या क्या सीखा और आपकी सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी रही है? पेजेंट्री में इट वॉज लाइक मेरा मोस्ट फेवरेट रहता है वॉक एंड क्वेश्चन आंसर राउंड। सो वेन वी वर ग्रूमिंग थ्रू आउट द टाइम आई गॉट टू लर्न कोरियोग्राफी फ्रॉम पिंकी मैम एंड शी टॉट अस हाउ टू पोज, हाउ टू वॉक एंड एवरीथिंग। एंड खुशबू मैम टॉट अस हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल विदाउट हेजिटेटिंग। दैट इज द रीजन मे बी आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड वॉट टू स्पीक, वॉट नॉट टू स्पीक, हाउ टू पोज, एवरीथिंग टॉट बाय देम। आई चेरिश दोज मोमेंट्स स्टिल, लाइक आई चेरिश दिस मोमेंट फॉर एवर। So yes. You feel like a normal सारी प्रेजेंट्री में होता है वो हमने सारी चीजें आपको प्लेटफॉर्म में दी, everything you got it, yes, right? Yes. The seminars from the skin, yeah. Dental and everything you got it. Okay. And what are you looking forward in life in future? Like what you want to be? For now, I have been focusing on my studies and I'm trying to bring in modeling into my life very, very slowly because after all, education is key to success for me. Yeah. And I guess it should be for every lady, yeah. Because we don't know what will happen in future. We cannot rely on someone else. So education is my key. So right now I'll be doing masters mostly outside, abroad. I have been thinking abroad.
एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग मॉडलिंग एज वेल एंड या No, that's good. And आपने जो फर्स्ट रनर अप का मिस कैटेगरी में आपने जो टाइटल जीता है सो आपको कैसा लगा यू नो विदिंग द क्राउन शेफ एज यू टोल्ड कि आपका जो ड्रीम था वो पूरा रहे हो गया टाइम पे सो और भी आपके बहुत सारे ड्रीम होंगे जो पूरे होंगे लेकिन हाउ वाज द फीलिंग ऑफ विनिंग द फर्स्ट रनर अप I didn't say think ki I will be winning the title. Haan. I thought ki I'll be one of the finalists maybe or something like that. But when I went to the stage and they called my name number 4, Haan. I was like, okay, so I might be winning something today. Haan. Either it because they didn't mention what it was, either it was winner or first runner yes, up. Yes, yes. As we have kept it suspense for Haan. Them. That first winner and first runner-up were not told that what you have won. And they were holding the hands yeah, together. Yeah, yeah. And everybody was told to guess it out, ki aap kya jeete ho. So, us time pe kaisa mehsoos hota hoga? Us time pe bahut hi aise tension tha, curiosity thi. I was very nervous and all those things were coming into my mind. Ki what if I win, what if I not, even if I win. Sahi to hoga na, ki winner nahi to first runner-up mil jaye. Haan, haan, haan. मतलब ये था कि आई एम नॉट गोइंग टू लूज टू हिम ऐसे तो कभी भी कॉम्पिटिशन में ऐसी फीलिंग रहती होगी आप सभी पार्टिसिपेट को इवन आई हैव पार्टिसिपेट मेनी पेजेंट्री इन पास्ट एंड आई हैव वन आल्सो तो वो कभी ऐसा रहता है कि चलो फाइनलिस्ट तक पहुंच गए ये नहीं तो ये तो शायद मिल ही जाएगा विनर नहीं तो फर्स्ट रनर अप कहीं तो मिल जाएगा उतनी टेंस सिचुएशन नहीं रहती जितनी यू नो जब भी स्टार्ट राउंड में रहती है ऑडिशन क्लियर करने के बाद एंड देन टॉप 5 पे जाना सो हर स्टेज आपको कुछ अलग अलग सिखाता होगा राइट तो उस टाइम पे वही मेरे दिमाग में था कि व्हाटएवर हैपेंस आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म टू गॉड टू माई मदर एंड एवरीथिंग फॉर वेयरएवर आई स्टैंड इट डजंट मैटर इफ आई विन और लूज नाउ Even though if I don't win, my friend will. Haan. So that was a happy ending even after. Like whatever it is. दर्शकों मैं ये जरूर कहना चाहूंगी हमारी जो पेजेंट्री में थी जो मिस कैटेगरी थी मिसेस कैटेगरी थी और मिसेस क्लासिक कैटेगरी थी हमारी तीनों कैटेगरी की वुमन वो बहुत ही मेच्योर है ये सभी एक दूसरे की हेल्प करते थे ये सभी एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे जैसे इन्होंने बताया कि उसे ये नहीं था कि मैं नहीं जीती तो कोई बात नहीं मेरी फ्रेंड जीत रही है सो ये जो एटीट्यूड था ये हमारी सारी वुमेन जो पेजेंट्री की गर्ल्स एंड वुमेन था सभी में ये एटीट्यूड था और वो होना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स में जाते हो तो वो मैच्योरिटी आप में रहना बहुत जरूरी है और उसी के लिए हमने उनको बिल्डअप भी किया था साइकोलॉजिकली एंड पहले से ही प्रिपेयर्ड करके रखा था ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं भी आप मैं नहीं कहती ये पेजेंट्री के लिए इवन इन द लाइफ आप कोई भी सेक्टर में हो ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए इमोशंस आल्सो राइट समटाइम्स यू फील लाइक क्राइंग समटाइम्स लाफिंग समटाइम्स यू नो अदर इन द टेंस जोन सम पॉइंट इन इमोशंस कि आपको कहीं सीखा वो पेजेंट्री के टाइम आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया आई एक्सपीरियंस हाउ टू बी पॉजिटिव थ्रू आउट द टाइम Like from my friends, everyone was supportive. Like मैंने यहाँ पे I guess best friends बनाए pageantry में. Yes. That was the best thing. Like we have thought ki we will go to pageantry together and stuff. So it's like the positive thing which they got me. I don't get that usually around me. हाँ. So वो negative energy ना create करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं. हाँ. तो इसलिए जब वो आए तो फिर आई गॉट दैट कि नो इवन दो आई डोंट विन और वॉट एवर इट इज आई कैन कैरी दिस मेमोरीज विथ मी पॉजिटिव पीपल अराउंड मी एंड आई एम श्योर एंड व्हेन आई इवन आई फील आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस पॉजिटिव पीपल इन माय टीम मैंने उनको ये ट्रेन किया उनके साथ रहे और हमने ये जर्नी की हमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं लगी और हमने ये जर्नी बहुत अच्छे से एंजॉय की और मैं बोलूं कि सारे अच्छे लोग मेरी बकेट लिस्ट में है मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली फील ब्लेस्ड टू हैव यू थैंक यू वी आर आल्सो ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ मेंटर थैंक यू एंड व्हाट डू यू वांट टू से टू आवर यू नो ऑडियंस सम टिप्स यू वांट टू गिव रिलेटेड टू पेजेंट्री और कोई आपका एक मंत्र होगा जो आपने यू नो शुरुआत से बना के रखा था कि पेजेंट्री में ये मुझे काम आएगा तो ऐसा कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के लिए
टिप्स यही है कि पहले तो आपका एक ड्रीम होना चाहिए. इट डजेंट मैटर, इट डजेंट स्टिक टू पेजेंट्री ओनली. यू हैव टू हैव अ ड्रीम टू फुलफिल. एंड आपका मेरे हिसाब से डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. इट डजेंट मैटर वॉट यू डू, यू हैव टू बी डिसिप्लिन थ्रू आउट योर टाइम. एंड फिर आपको मे बी इफ यू आर गोइंग फॉर पेजेंट्री, यू हैव टू बी बोल्ड. इवन दो समटाइम्स पीपल से कि नहीं होता है, बट यू हैव टू हैव दैट बेसिक यू थिंक कि आपको बोल्ड होना पड़ेगा थोड़ा टू फेस द कैमरा एंड टॉक टू पीपल विदाउट हेजिटेशन. ये सारी एटीट्यूड ये आपकी लाइफ में कहीं भी आपको यूजफुल हो सकता है. आई मस्ट नॉट से द एटीट्यूड इन द नेगेटिव वे, बट एटीट्यूड इन अ पॉजिटिव वे आपको होना चाहिए. जैसे इन्होंने बताया कि बोल्ड रहना जरूरी है. व्हेन आप घर पे रहते हो तो वी हैव टू बी काम, वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी स्मार्ट इनफ To handle the situation. Yes. But आप कभी outside your house, you are stepping it out. So the today's world is so it's wonderful. In fact, I say. But वो अपने को ज़्यादा सिखाते भी है. We have to face the challenge. Yes. So उसके लिए bold रहना और challenges को accept करना और आगे बढ़ना वो बहुत ही important है. और आपने बहुत अच्छी हमारे दर्शकों को ये टिप दी कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड रेडी टू चैलेंज इट आउट. एंड वन मोर थिंग यू टोल्ड इज अबाउट द मैनेजमेंट. डिसिप्लिन यू शुड बी इन योर लाइफ एंड डाउन टू अर्थ. या यू हैव टू बी कि आप सारी चीजें काम टाइम पे कीजिए, छोटी सी लेके बड़ी चीजें, हर चीजें, यू नो यू शुड बी इन अ डिसिप्लिन वे. तो बहुत यूजफुल होता है. आपके साथ बात करके मुझे तो हमेशा अच्छा लगता था क्लासेस में, लेकिन हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा है. एंड थैंक यू टू कमिंग टू अवर शो. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वीक टू अवर अनदर कंटेस्टेंट विच विल बी इन द विनर कैटेगरी. सो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले हफ्ते.